Okay, so we were solving IBP using numerical method, and we have studied two methods, Euler's and modified Euler method. Let us take one more example of Euler method. So you have initial value problem, y dash equals to 2 by t. On with one condition, y at 1 equals to 0. Question hai, use Euler's method. With h equals to 0.1 to find the solution. In interval 1 to 1.3 using these values find y at 1.04 and y at 1.15. So in our notation, this is dy by dt. Say this is f of dy. Start y at 1 equals to 0. This implies initially t naught is 1. Y ke bracket mein hai. Aur y naught hai apka wo 0 hai. Aur h de rakha hai usne 0.1. तो 1 से शुरू करना है आपने, फिर 1.1, 1.2, 1.3 तक जाना है यूजिंग यूलर्स फार्मूला. तो पहला t1 आएगा 1.1, सो y1 का मीनिंग है y एट 1.1. y1 क्या होता है, y0 प्लस h f t0 y0. तो y0 आपका है 0 है, एच 0.1 है. एफ के फार्मूले में टी को 1 फिट कर दो, 2 बाई टी यानी कि t0, और वाई को y0 यानी कि 0. सो दिस इज 2.71828 पॉइंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया. अगला पॉइंट आएगा 1.2. तो वाई एट 1.2 यानी कि जो y2 होगा, दैट विल बी y1 प्लस एच एफ t1 y1. सो y1 इज 0.271828, एच इज 0.1. एफ के फार्मूले में टी को 1.1 और वाई को 0.271828 फिट कर दो, ठीक है, t1 y1. ये वैल्यू डालना, उसमें सिंप्लीफाई करना. दिस इज 0.684756. If nothing is given, so just write 4 decimal. At least 3-4 digit likh do aap. Theek hai? Yes. So, agla point hai aapka T3, which is 1.3. So, y at 1.3, jisko main keh raha hu y3, wo hoga y2 plus hf T2 Y2. तो Y2 0.68
4756, एच इज 0.1, एफ के फार्मूले में टी को 1.2 और वाई को 0.684756 फिट कर देना और सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। ये था ना फार्मूला उसका, 2 बाई टी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 6y था यहाँ पे, प्लस टी स्केयर 1.2 स्केयर ई की पावर टी 1.2, सो दिस इज 1.27698. सो दिस आंसर पार्ट फर्स्ट, फाइंड सॉल्यूशन इन 1 to 1.3, 0.1 लेके गैप 1 से शुरू करना, 1.1 पे सॉल्यूशन, 1.2 पे y2 और 1.3 पे। फिर वो कहता कि यूजिंग दीज वैल्यू जो आपने अभी कंप्यूट करी है, फाइंड y 1.04 एंड y 1.15। अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, यू स्टार्टेड विद 1, ठीक है, 1.1 पे सॉल्यूशन निकाला, 1.2 पे निकाला, फिर 1.3 पे। उसने पूछा 1.04 इनके बीच में होगा और अगला 1.15 इनके बीच में होगा, पहला इन दोनों के बीच में है, किसके y0 और y1 के बीच में, तो दो वैल्यू के बीच में निकालना है यूज लग्रांज इंटरपोलेशन लीनियर वन। ओके, सो यूजिंग लीनियर लग्रांज इंटरपोलेशन सो वाई एट 1.04, क्या फॉर्मूला था, ये होता है L0 एक्स एफ एक्स जीरो, यस सर। L0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स की जगह टी है यहाँ पे, है ना, ऊपर आता है ना एक्स माइनस एक्स वन, 1.04 पे आंसर निकालना है, एक्स माइनस एक्स वन आएगा 1.1, नीचे एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस 1.1 1.1 मल्टीप्लाई बाई फंक्शन वैल्यू जो वाई जीरो है, यानी कि वाई जो वन पे है जिसको हमने वाई जीरो कहा था, प्लस 1.04 एक्स माइनस दूसरा पॉइंट यानी कि पहले वाला ये 1 और नीचे 1.1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई एट, चाहे लिखना चाहो सीधा लिख दो वाई जीरो, तो यहाँ पे वाई बना जाए। सर एक बार ये समझा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसमें सर x माइनस x नॉट और वो सब था ना, तो इसमें चेंज हुए तो बताना सर कैसे। x नॉट था Yes, sir. X, जिस पॉइंट पे आंसर निकालते हो इस पे निकालना, x आपका 1.04 हो गया, yes, sir. X0 आपका हो गया पहला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट और x1 होगा उसके अगले वाला। फंक्शन वैल्यू वो है y0 y1 साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है सर, आगे सर x की जगह यहाँ t है मतलब, और जिस पॉइंट पे आंसर निकालते वो x होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है मैंने, x माइनस 1 आता है ना, x माइनस x1 ये L0, यस सर यस सर यस, डिवाइड बाय x0 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय fx0, fx0 y0 है, सिमिलरली सेकंड, तो y0 आपने लिखा हुआ पहले, y0 कितना है 1 है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और y1 आपने पहला आंसर कंप्यूट किया है 0.27, 1 से फिट कर देते हैं यहाँ पे, तो सिंपलीफाई 1828, इसको सिंपलीफाई कर लेना कैलकुलेटर से, आई जस्ट हैड फाइनल आंसर 1.01 एंड y1 इज 0.271828 एंड दिस इज 0.1087312, ठीक है। सिमिलरली आप अगला निकाल लोगे, ये कैसे लिखोगे,
सर 1.15 माइनस 1.2 अपॉन में 1 माइनस 1.15 निकालना है, तो ये दो पॉइंट यूज करोगे है ना, पहले में क्या आएगा ये यूज करना है आपका 1.1 1.2 और इन पे वैल्यू है y1 y2 और जो बीच में जो पॉइंट है आपका वो है 1.15। तो इसमें l लिखोगे 1.15 माइनस 1.2, पहले पॉइंट का लिखते हो तो 1.1 माइनस दूसरा पॉइंट ये 1.2 आ जाएगा है ना, ये सर मल्टीप्लाई y1 देन 1.15 माइनस पहला पॉइंट 1.1 ये वैल्यू डाल देना, सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है? राइट आंसर, आई डोंट हैव आंसर। सो इन दैट वे यू कैन कंप्यूट इंटरमीडिएट वैल्यू यूजिंग लीनियर लग्रांज इंटरपोलेशन। ओके यस सर। सो नाउ वन लास्ट मेथड इन दिस कोर्स, सो दे आर रियुंगकुट मेथड्स, रियुंगकुट, सो दे आर नेम्ड आफ्टर जर्मन मैथमेटिशियन सी रियुंग एंड M.W. Kutt. So these are just broad category of methods. Sir, वैसे जो पिछले वाला question था जिसमें हमें 1.04 या उसपे निकालना था, उसमें सर हम h change करके भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। Euler method लगा दें h change करके। Using those values, अगर ये नहीं है, तो फिर आप h ले लो 1.04 आप निकाल सकते हो। और उसने कहा ना कि using those जो मतलब आपने compute करी है, using those value find this. ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में फ्री है तो आप कर सकते हो, सीधा ही कर सकते हो। तो जो रियुंगकुट मेथड है इनको हम आरके मेथड्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में आरके। सो दे दीज आर ब्रॉड कैटेगरी टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनके नाम भी वैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर मेथड, ये आपने पढ़ लिया अभी। तो यूलर मेथड है, इसको हम बोलते हैं, इसको आर के मेथड ऑर्डर वन भी बोलते हैं, ठीक है? और जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर मींस राइट टेलर सीरीज अप टू टू सेकंड डेरिवेटिव है ना, जो मॉडिफाइड यूलर है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज सेकंड ऑर्डर आर के मेथड, रियुंगकुट मेथड, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। There is also one third order RK method. So I am not writing this method. Third or fourth बिल्कुल similar है formula. Same तो नहीं कह सकते हैं, but जो widely use होता है सबसे ज्यादा, that is fourth order RK method. और कल हमने जैसे किया था integration, अगर आपको ध्यान हो, ये हमने इंटीग्रल किया था यहाँ पे, जिसमें हमने लगाया था ट्रेपेजॉइडल। तो इसमें अगर सिम्पसन लगाओगे, सिम्पसन इंडिपेंडेंट डेरिवेशन भी है, तो दो मेथड बनते हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ, दोनों सिमिलर से हैं। थर्ड का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला है, अब थर्ड से अच्छा फोर है तो फोर स्टडी करते हैं, फोर इज वाइडली यूज्ड। तो मैं फोर्थ का ही लिख रहा हूँ फार्मूला। तो इसमें जो टाइम लेवल आपने लिखना है Ti+1 Ti+h, फिर आपने चार नंबर कंप्यूट करने हैं, K1 की वैल्यू है पिछले वाले पे Ti/Yi पे, फिर K2 है, यानी कि इसमें आपके पास तीन पॉइंट है, Ti से Ti
प्लस वन अगले पे जाना है और एक इनका मिडिल पॉइंट होगा। टी आई प्लस वन का मीनिंग क्या है, टी आई प्लस एच, और एक मिडिल में पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे टी आई प्लस एच बाई टू। जैसे सिम्पसन में आप तीन पॉइंट लेते थे वैसे, तो के टू जो मिडिल पॉइंट पे है टी आई प्लस एच बाई टू और वाई आई प्लस के वन बाई टू। फिर एक नंबर के थ्री है, वो भी मिडिल वाले पॉइंट पे है, बस के वन की जगह के टू कर देना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट है उसका। ये दो मिडिल पॉइंट पे है, टी आई प्लस एच बाई टू, वाई आई प्लस के वन, यानी कि के टू में के वन यूज होगा और के थ्री में के टू। फॉर्मूले सिमिलर है, ठीक है। और एक जो फाइनल है वो लास्ट वाले पॉइंट इस पे है। सो के फोर इज एच एफ टी आई प्लस एच वाई आई प्लस के थ्री। तो जो अगले पॉइंट पे सोल्यूशन है वाई आई प्लस वन, सर के फोर में बाय टू नहीं करेंगे के थ्री को है? K4, जो सर K4 है, K4 में पिछला K3 बाय थ्री बाय टू नहीं करेंगे K3 बाय टू वाई आई प्लस K3। नहीं सर, जैसे K3 में तो हमने K2 बाय टू करा वाई आई प्लस K2 हाफ वाले H बाय टू है उसमें, ये K बाय टू है, ये हाफ वाले पॉइंट पे। अगर ये भी हाफ है तो ये भी हाफ है। अब टी आई प्लस एच, एच फुल है तो ये भी फुल है वाई आई प्लस के थ्री। ठीक है सर, ठीक है। देन वन बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। अब सिम्पसन रूल के सिमिलर क्या, सिम्पसन में क्या आता था आपके पास, ये आता था एच बाई थ्री, पहले पे वैल्यू, मिडिल पे फोर टाइम, प्लस लास्ट वाले पॉइंट पे वैल्यू। और एच क्या लेते थे आप वहां पे, एच आपका ये था, इनके बीच का गैप। यस सर, बट यहाँ पे एच ये लिखा हुआ है, तो वहां एच था आपका एच बाई टू है, तो वन बाई थ्री था तो एच बाई टू आ गया, तो वन बाई सिक्स वहां से आए। के वन पहले पॉइंट पे, इस पे वैल्यू, मिडिल की टू टू है, ये टू टू फोर, और लास्ट वाले पे वैल्यू, मतलब जो मिडिल वाले दो थे, चार थे वो दो करके हैं, और जो गैप एच है यहाँ पे वो एच बाई टू। आप यहाँ पे एच बाई टू कह रहे हो ना, आप इसमें ये गैप एच बाई टू, तो एच बाई थ्री है, तो वहां पे एच बाई टू बाई थ्री आएगा, एच बाई सिक्स आ जाएगा। यस सर, तो दिस इज आल्सो नोन एज सिम्पसन रूल। हाँ, बाकी इसका ये टू प्लस टू क्यों लिखा, ये मेथड से आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट डेरिवेशन है इसका। आप टिडलर से लिखो फोर तक डेरिवेटिव तक, एलिमिनेशन करो, दो तीन पेज का प्रूफ है, यू विल सी इन एनी बुक ऑफ अमेरिकन एनालिसिस, जस्ट देर आर मैनी कैलकुलेशंस। ओके, सो दिस इज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर फोर, तो इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर फोर, और ऑर्डर का मीनिंग क्या है, आपने टेलर सी कहाँ तक लिखी है, एच फोर बाई कहाँ तक लिखी है, फोर्थ डेरिवेटिव तक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्थ ऑर्डर मेथड। हाँ, बाकी अप्लाई करना तो सेम है, जैसे आपने मॉडिफाइड यूलर किया था, उसमें दो के निकाले थे, यहाँ पे चार निकाल लें, और फार्मूला तो चेंज है ही इसका, लास्ट में ही आपने ये लिख देना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सॉल्व यूजिंग रंग कोट मेथड ऑफ ऑर्डर फोर, प्रॉब्लम है डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड वाई जीरो इक्वल्स टू वन। सॉल्व मतलब फाइंड आपने करना है वाई पॉइंट टू एंड वाई पॉइंट फोर बाई टेकिंग स्टेप साइज
0.2. ठीक है, तो एफ क्या है आपका राइट हैंड साइड एफ टी वाई, ये वाला जो इक्वेशन में है वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. इनिशियली वाई के जो ब्रैकेट में है टी जीरो जीरो है. और कई बार बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, जैसे पिछला एग्जाम्पल था, ये बहुत बार मैं देखा है, जैसे वाई वन इक्वल टू जीरो था, तो वो पता नहीं वो टी जीरो को जीरो ही लेते हैं हमेशा, तो कह देंगे कि टी जीरो जीरो है वाई वन है. तो ये चीज नहीं है, टी जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो वाई के ब्रैकेट में है वो है, कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री जीरो कुछ भी हो सकता है, टी जीरो जीरो नहीं है हमेशा, दैट कैन बी वन टू. ठीक है, अब इसमें मोस्टली प्रॉब्लम में जीरो ही है ये, बट ऐसा नहीं है कि ये जीरो है हमेशा जीरो हो. ठीक है, और कई तो एग्जाम में ये भी करते हैं, कुछ भी हो प्रॉब्लम, टी जीरो जीरो टी वन वन टी टू टू बस ऐसे लेते हैं. सो दीज आर नॉट द केस. सो जो आपका स्टेप साइज है उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पॉइंट टू है तो जो टी वन होगा वो पॉइंट टू होगा और टी टू जो होगा वो पॉइंट फोर होगा. सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन सिचुएशन. ठीक है, तो पहले टी वन लिखोगे, टी वन आपका पॉइंट टू है, इस पर सोल्यूशन निकालना है आपने, तो चार नंबर कंप्यूट करोगे, के वन एच एफ टी जीरो वाई जीरो, तो एच फंक्शन में टी जीरो जीरो वाई जीरो वन, एच आपका पॉइंट टू है, फंक्शन वाई स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, वाई को वन टी को जीरो, इसको निकाल लेना कैलकुलेटर से, पॉइंट टू. देन के टू एच एफ टी जीरो प्लस एच बाई टू वाई जीरो प्लस एच बाई टू, तभी यहाँ पे एच बाई टू है तो एच तभी पॉइंट टू दिया है, हाफ करोगे तो पॉइंट वन बन जाएगा. ठीक है, सो टी जीरो जीरो प्लस ये पॉइंट वन आ गया, वाई जीरो वन है तो वन वन पॉइंट वन आ जाएगा. यस सर, वन प्लस व्हाट, टू, वन प्लस एच बाई टू, एच बाई टू आ गया वन पॉइंट वन. तो एफ के फार्मूले में फिट कर देना, वाई स्केयर वन पॉइंट वन स्केयर माइनस पॉइंट वन स्केयर, वन पॉइंट वन स्केयर प्लस पॉइंट वन स्केयर. So this is 0.189 this is 0.19672 0.11. Similarly K3 निकालोगे, K3 का फार्मूला पिछले फार्मूले के सेम है, जस्ट के वन की जगह के टू आ जाएगा. सो पॉइंट टू पॉइंट वन और वाई जीरो प्लस के टू बाई टू बन जाएगा 1.09836. तो एफ के फार्मूले में टी को पॉइंट वन और वाई को ये फिट कर देना 1.09. So this is 1.967. Then K4, T0 plus H, Y0 plus K3. T0 plus H, 0.2, Y0 plus K3, 1 tha, 1 plus 0.967, 1.1967. So this is 0.1891. सो फाइनली y1 का मीनिंग है y एट पॉइंट टू इज y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. सारी वैल्यू आपके पास हैं,
okay, fit all values. This is 1.196. So this is your first answer. तो सिमिलरली अगले पॉइंट पे जाना है आपने. अगला पॉइंट होगा टी टू विच इज टी वन प्लस एच. सारे नंबर कंप्यूट करो इस पे, और पिछले पे टी वन पे कंप्यूट करने हो. टी वन वाई वन ये हो जाएगा टी वन प्लस एच बाई टू, वाई वन प्लस के वन बाई टू, एंड के थ्री टी वन प्लस एच बाई टू, वाई वन प्लस के टू बाई टू, एंड के फोर टी वन प्लस एच, वाई वन प्लस के थ्री. सो कंप्यूट ऑल वैल्यूज. आप ये फिट कर लेना पॉइंट. जो पहला है 0.1891, सेकंड इज 0.1795, 0.1793, 0.1688. सो फाइनली वाई टू वाई एट 0.4. दिस इज वाई वन प्लस 1/6, के वन प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. सो 1.3752. दिस इज माई सेकेंड आंसर. सो इन दैट वे यू कैन कंप्यूट ऑल वैल्यूज. Okay, any doubt in this? No, sir. तो प्रॉब्लम के अंदर आप एक्स वाई भी हो सकता है, डी वाई बाई डी टी भी हो सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नोटेशन. फॉर एग्जांपल लेट अस से using RK method of order 4, find y 0.5 with h 0.5 for IVP dy by dx equals to y minus x square plus 1 y 0 equals to 0.5. तो ये इक्वेशन x और y में है, ठीक है. तो उसने कहा कि जो आपने स्टेप साइज लेना है वो 0.5 लेना है. शुरू में y 0 0.5 है और y के ब्रैकेट में वो x की वैल्यू है, x 0 दैट इज 0, ठीक है. और इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, उसको अब लिखोगे आप fxy.
ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आपका x1 बनेगा x0 प्लस एच, ठीक है। तो फिर आपने चार नंबर लिखने हैं सेम वे में। अब t की जगह आप x कर दो, ठीक है, एक्स जीरो, वाई तो वाई है, टी की जगह एक्स आ गया, वाई जीरो प्लस के वन वाई टू। सिमिलरली के थ्री, वाई जीरो प्लस के टू बाई टू। तो जो वाई एट एक्स वन होगा पॉइंट फाइव पे, जिसको मैं y1 वन कहूँगा, दैट विल बी y0 जीरो प्लस वन बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस प्लस के फोर। जो पहला वैल्यू है इसमें 0.5, फंक्शन जीरो y0 0.5, f के फार्मूले में y को 0.5 फिट कर देना, x को 0, सो दिस इज 0.7। सिमिलरली सेकंड में f के फार्मूले में x को 0.25, x0 प्लस h बाई टू, और y को 0.875, दिस इज 0.9062। थर्ड में 0.5, 0.25, 0.953125, ये फिट करोगे तो 0.9453125। फाइनली 0.5 x 0 प्लस h 0 प्लस 0.5 and this is y0 plus k3 0.5 plus 0.94 ये वाला, so 1.445312। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.097652। Fit all value here, so final answer is 1.425132 approximately. So what I want to say that you should not be get confused with notation. कुछ एग्जाम में स्टूडेंट करते हैं, they get confused. जैसे मान लो उन्होंने कहीं से पढ़ा है तो सिर्फ dy by d dx पढ़ा, मान लो ये पढ़ा dy by dx, ये फार्मूले। अब एग्जाम में वहां पे आ गया dy by dt, तो फिर वो यही लिखते हैं। अब एंड में दे गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज x व्हाट इज t, ओके। सो दोनों कुछ भी हो सकता है, फार्मूले सेम ही होंगे ना। सो आप जो भी लिखते हो dy by this, तो यहाँ पे क्या y इंडिपेंडेंट है और x, सॉरी x y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो फंक्शन लिखने का तरीका भी यही है, पहले आप लिखते हो इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट, सो y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कई कई बच्चे एग्जाम में ये भी गलती करते हैं, ये जो h ऐड करना है वो दूसरे में कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। सर खुद इस चीज में मैं कंफ्यूज हो रहा था अभी, और इसमें केज ऐड करने हैं और इनको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम ये होती dx by dt, फिर क्या करते? फिर सर पहले हम t लिखते, t को में h by h लिखते, t zero या x zero आ जाता, t zero plus h by two, x zero plus k one by two. So what is here? X is a function of t.
ठीक है यस सर। आप ये तो समझते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप जब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स, यस सर यस सर, इंडिपेंडेंट होता है, एक्स इज एन रियल नंबर, वाई वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई डिपेंड ऑन एक्स, सो वाई डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट पहले आएगा लिखने का तरीका है फंक्शन में, अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है, अगर एक का है तो इंडिपेंडेंट एक ही आना है, दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पहले इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट ये आएगा। उसी सेंस में ये है फार्मूले भी उसी सेंस में है, इंडिपेंडेंट में एच स्टेप साइज ऐड होगा और दूसरे में डिपेंडेंट में केज केज ऐड होंगे, ठीक है। यस सर। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि कई टीचर डी वाई बाई डी एक्स लेके पढ़ाते हैं, कई डी वाई बाई डी टी लेके पढ़ाते हैं, कई टीचर डी एक्स बाई डी टी लेके पढ़ाते हैं, और बुक्स में भी अलग अलग हैं, आप यू विल सी। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद नोटेशन। सर जो हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए पार के मेथड थे उसका मतलब वही था ना, यूलर और मॉडिफाइड यूलर। हाँ तो तीन, हाँ यूलर मॉडिफाइड और ये आरके फोर तीन पढ़ने हैं आपने, ठीक है। ठीक है सर ठीक। फर्स्ट यूलर ही का यूलर ही कहते हैं नॉर्मली इसको, सेकंड मॉडिफाइड यूलर कह लो या आरके सेकंड कह दो, एंड दिस इज आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड। और कई बार एक फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं, जैसे एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ये लॉ फॉलो करता है, आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल। यस सर यस। तो इसमें वो कहता कि अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास वी डैश इक्वल्स टू एम से डिवाइड कर दो। यस सर। तो उसने कुछ डाटा दे रखा है, सो गिवन डाटा क्या है, एम इज 0.11 kg, इनिशियल वेलोसिटी से जो प्रोजेक्टाइल भेजते हैं दैट इज 8 m/s, और क्या दे रखा है, ड्यू टू द फोर्स ग्रेविटी यही है -mg, एयर रेजिस्टेंस ये एयर रेजिस्टेंस है kbv, और जो जी का वैल्यू इसमें यूज होगा 9.8 m/s², जो के कांस्टेंट है 0.002, ये है kg/m। बस सर फिर तो हो ही जाएगा, सबसे पहले तो सर इनमें वैल्यू डाल के पहले तो वैल्यू डाल दीजिए ताकि मोशन इसका फाइंड दी वेलोसिटी, फाइंड क्या करना है आपने वेलोसिटी 0.1 पे कितना आएगा, ठीक है पॉइंट। सर ये तो बेसिकली f of x comma y v हो जाएगा ना, m comma v, इसको क्या लिखोगे, m comma v f of m comma v है, क्या लिखोगे फिर dv by dt सर, लेकिन उसमें तो दिया तो हमें m दिया हुआ है ना। नहीं नहीं चेंज क्या है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, m तो कांस्टेंट है ना, m को मैं राइट में ले गया ना। अच्छा आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ना पहले dv by dt। यस सर यस सर यस सर। क्या लिखें, f t of t comma v। तो स्टार्टिंग वो पॉइंट कहता है कि टी जीरो आपने जीरो से शुरू किया, तो शुरू में जो वी जीरो है वो 8 है, और स्टेप साइज वो कहता है कि आपने 0.1 लेना है, 0.1 0.2 ये निकाल ली वेलोसिटी। तो टी वन क्या आएगा 0.1, तो वी वन की वैल्यू अगर सिंपल यूलर लगाते हो, यूलर्स मेथड कोई भी मेथड कह दे हो, यूलर्स मेथड वी वन विल बी वी जीरो प्लस एस एच एफ ऑफ यस सर टी जीरो वाई जीरो, वी जीरो आ जाएगा ना वाई की जगह। यस सर यस। तो इसमें इस टाइप से कर लेना, फिर टी टू क्या आएगा 0.2, तो वी टू की वैल्यू क्या होगी वी वन प्लस एच एफ टी वन वी वन। तो जैसे वी जीरो लिखोगे तो वी जीरो 8 है, एच आपने 0.1 लिया है, एफ के फार्मूले में ये अब जी की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी 9.8। यस सर। ये तो कांस्टेंट है ना, 9. एम भी डालना पड़ेगा, ए भी डालना पड़ेगा 0.002, एम कितना है 0.11 और वी जीरो शुरू में वी जीरो
v mod v तो पॉजिटिव ही आना है, 8 स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, इसको सिंपलीफाई कर लेना, ये लगभग आएगा। वैसे मैंने मॉडिफाइड यूलर से कर रखा है तो 6. समथिंग आता है, 6.9 लगभग। ठीक है, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन। सो व्हाट आई वांट टू से, सो राइटिंग आपने कैसे करना है, टेक m इन राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ डेरिवेटिव dv / dt इक्वल्स टू समथिंग, दैट समथिंग इज f, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके सेंस में डेरिवेटिव कर रहे हो t, तो सेकंड डिपेंडेंट, तो इनिशियल डाटा, बाकी सब कुछ सेम है। मेथड आपको स्पेसिफाई किया होगा कि यूलर लगाना है, आर के लगाना है, मॉडिफाइड व्हाटएवर यू वांट टू यूज। ओके, सो इन दैट, so in that manner you can solve such kind of physical problem as well. तो ये एक डिफरेंस था, ये कई बार एग्जाम में पूछा पहले, सेम क्वेश्चन मॉडिफाइड यूलर से या किसी से भी, सिंपल ही है तो। और इसका एक पार्ट वैसे और भी था, वो सेकंड पार्ट में जो मैंने कोर्स वेबसाइट पे सॉल्यूशन डाले हैं ना, उसमें ये पूरा सॉल्व है। सेकंड पार्ट वो कहता कि ये वेलोसिटी है ना, आपने जैसे 8 से फेंका उसको शुरू से ना 8, ये धीरे धीरे कम होगा, 6.9 हो गया पहले में ना, ये उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे कम होता जाएगा, तो 0.7 पे जब आप करोगे तो ये लगभग आएगा 0.84, और 0.8 पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस। अब नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, ये वेलोसिटी गया गया कम 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 होता होता एक पॉइंट आएगा, फिर वापस आना शुरू कर देगा ये। यस सर, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, तो वो ये कह रहा है कि फाइंड दैट पॉइंट व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एंड देन फॉलिंग, तो वो पॉइंट आपने निकाल के बताना है। तो वो पॉइंट लगभग 0.8 है, ये पॉइंट मतलब बहुत छोटा, वैसे 0.7 पे, तो 0.84 थोड़ा सा बड़ा है ना, पॉजिटिव में बड़ा है, नेगेटिव में तो -0.1 ही ज्यादा छोटा है। वैसे तो 0.7 और 0.8 के बीच में पॉइंट है वो, है ना, बट 0.8 से ज्यादा क्लोज है क्योंकि ये इस पे वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक है, सो यू कैन से कि सर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने 0.7 और 0.8 निकाल दिया, तो हम सर मतलब हाँ ये भी कह सकते हैं लगाकर After 0.7 and before 0.8, it will fall down. नहीं सर, हम Lagrange interpolation लगाकर बीच में point ढूंढे। पर बीच में कैसे निकालोगे ना, वो तो जिस point पे answer निकालना वो पता होना चाहिए ना। नहीं सर, वो तो हम assume कर लेंगे ना कि पहले इसका middle point देख लेंगे कि उस पे zero आ रहा है या कितना। हाँ वो कर सकते हो। पर सर वही है, काफी बड़ा हो जाएगा। रफ आईडिया है कि 0.8 के क्लोज है, तो यू कैन से कि आफ्टर 0.7 एंड बिफोर 0.8, और यू कैन से 0.7 और 0.8 के बीच में इट विल फॉल डाउन। ओके, ठीक है, यस सर, कि इनके बीच में होगा वो, आफ्टर दैट इट विल कम बैक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर। ओके।